आप ऐसा करें, पहला टाइम इनको दे दें 2 मिनट, ताकि ये अपनी तसल्ली कर ले। भाई जान जीरो से ओके स्टार्ट करें, फॉरगेट पहले क्या हुआ। आप इस्लाम को जस्टिफाई कर रहे हैं सर, टाइमर इनको लगा दें, चलो स्टार्ट है टाइम। 2 मिनट दे दें। जी हाँ शुरू मेरे 2 मिनट। जी जी कोने में चल रहे हैं आप, हाँ नजर आ रहे होंगे राइट साइड पे कोने में। जी चले हाँ जी, तो मैं यही बोलना चाहूंगा सुनने वालों को भी और आपको भी और देखने वालों को भी और मेरे नफ्स को भी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस्लाम में पैदा हुआ, ठीक है। मुझे परवरिश मिली, कुरान की तालीमात मिली बचपन से, हदीस की तालीमात मिली, और सबसे बेहतर मजहब मैंने किसी को पाया तो इस्लाम को पाया, राइट। बचपन से जब पैदा हुए, जब देखे इसके अंदर इतनी अच्छाइयां छुपी हुई है, इतनी अच्छाइयां छुपी हुई है जो कि हमको बचपन से सिखाई गई, राइट, असातिज़ा के जरिए से सिखाई गई, बाद में स्कूल के अंदर सिखाई गई, और उसके बाद में एजुकेशन के अंदर सिखाई गई, और उसके बाद जब उलमा इकराम के साथ मिलना होता, उन लोगों की आजजी इनके सारी देखना होता, उन लोगों के बयानात देखना होता, और उनका जो तवाज़े उन्होंने अख्तियार किया, वो जब देखते, वल्लाह बोल रहा हूँ मुझे इस्लाम के ऊपर इसके अंदर कोई मुझे डाउट नहीं होता कि कोई गलत मजहब, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं ये आपसे पहले ही बोला था कि हफ्ते अकलीम की बादशाहत भी मेरे एक सीधे हाथ में रख दी जाए और दूसरे हाथ में रख दिया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दो, वल्लाह मैं हफ्ते अखलाशात को मैं खत्म कर दूंगा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं फिरूंगा इंशाल्लाह। तो मेरा यही मानना है, यही कहना है, और इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे जीना सिखाया। जब मेरे वालदा का इंतकाल हुआ, मैं अल्लाह के करीब हुआ, अल्लाह मेरे दिल में उतरता चला गया, और जब मैं अल्लाह के नजदीक हुआ, अल्लाह के जिक्र के जरिए से दिल के अंदर से जो बेसुकनी थी, बेचैनी थी, अल्लाह ने उसको खत्म कर दिया, और इसीलिए मैं इस पे अब अल्हम्दुलिल्लाह जम समझ पा रहे आपके जैसे लोग। अल्लाह उन सबको हिदायत दे, अल्लाह जालिमीन को भी हिदायत दे कि वो जुल्म छोड़कर इस्लाम की तरफ आए और एक दूसरे को लेके चले, ठीक है। ये मेरा कहना है भाई और ये मेरा मानना है, ठीक है। मेरे 2 सेकंड अब खत्म, 2 मिनट अब खत्म हो रहे, आप आपकी बात को रखिए, ये मेरा फायदा है इस्लाम के साथ रहने में। ठीक है एडम, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सर, मैं बोल लूं ठीक, इनके आपका साथ? टाइम स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके प्लीज। हाँ जी, तो भाईजान आपने कहा कि इसमें इस सबसे अच्छा दीन है, ये सबसे अच्छा मजहब है, आप इस मजहब में पैदा हुए। मेरे भाई इस दीन में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये दीन आपको सबसे पहले छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने की इजाजत देता है, चाहे आप उसे शादी का नाम दें चाहे ना दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दिन आपको स्लेव्स बनाने की और स्लेव्स औरतों के साथ सेक्स करने की इजाजत देता है, जिनको आप पकड़ते हैं इररिस्पेक्टिवली कि वो आपके साथ लड़ाई कर रही थी कि नहीं कर रही थी, उनके बाप ने या उसके भाई ने लड़ाई किया था, आपके साथ तलवार लेके खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी। ये मजहब आपको कहता है कि तलवार के जोर पे निकलो और सब लोगों को निस्तो नाबूद कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मियां ने कहा था कि निकलो और सारों को तलवार के साथ उड़ाओ, ठीक है। उसके बाद आपके जो सहाबा अकराम थे हजूर नबी करीम के, और उनके जो सारे सहाबा अकराम हैं, उन्होंने भी ये सब ऐसे ही किया और उनकी जिंदगियों से है साबित। उसके बाद मुर्तदों के साथ कत्ल कर दो, जो इस्लाम छोड़ दे उसका कत्ल कर दो। ये चीज आपके अबू बकर सदीक ने अपनी जिंदगी में खलीफा बनने के फौरन बाद 1 साल तक ये हरकत और शकनात जारी रखी। ये वो मजहब है जिसने सबसे पहले आके फाइनली 1400 साल पहले सबसे पहले इस मजहब ने जो मुंह बोले रिश्ते हैं एडॉप्शन, उसको खत्म किया, इस लेवल पे खत्म किया कि कुरान यहां पे आके ये बोलता है कि तुम अपनी बेटी जिसको तुमने अडॉप्ट किया उसके साथ भी शादी कर सकते हो। आ हजूर जो बेहतरीन मिसाल है, उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे यानी अडॉप्टेड बेटे की बेटी के साथ शादी की, जब उसको तरफ देखा और उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा ओ अल्लाह तू बहुत अच्छा है जो दिलों के हाल बदल देता है, जो दिलों को फेर देता है। ये उन्होंने कब कहा, जब उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी को देखा, अभी वो उसकी बीवी थी, और वो मुंह बोला बेटा जो बड़ा ही बाप का ताबेदार था, उसने कहा था अच्छा ठीक है मैं तलाक दे देता हूँ आप ले लो। तो भाई जान इनमें से किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? हाँ जी भाई, आपके 2 मिनट खत्म हो गए। तो आपने सबसे पहला पॉइंट बोला कि 9 इयर्स की एज में शादी हुई, मैंने एंड में बोला इनमें से किस टॉपिक पे बात करना चाहोगे, क्योंकि हर एक नहीं, मैं ऑल आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स आई विल कवर, मैं नहीं कर सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं। 1 2 ओके ओके, आई विल कवर 50% ऑफ देम ओके इन दिस। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, मैं बोल रहा हूं कि एडम ने जितनी बातें बताई थी
अभी स्टार्ट के लिए सबसे पहले आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? वन बाय वन तो फर्स्ट नाइन ईयर एज का जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में गो अहेड. ठीक है भाई, सबसे पहले कर दीजिए भाई. जी जी, आपने फरमाया कि 9 इयर्स की एज में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई. ठीक है, अब एक एक इमेजिन करो, ये टॉपिक को साइड में रखो. अब नॉर्मली लो, ठीक है, एक बाप है अपनी बेटी को शादी करने वाला और दूसरा है शादी करने वाला. ठीक है, जब बाप अपनी बेटी से बोल रहा है कि बेटी उनसे आपकी शादी होने वाली है और बेटी 100% एक्सेप्ट करती कि हाँ मेरी शादी होंगी, वो तो अल्लाह के नबी है, राइट, तो मेरा तो जन्नत के अंदर क्या मकाम रहेगा. वो सोचते हुए अगर वो चीज को एक्सेप्ट करके अगर लड़की शादी को एक्सेप्ट कर लेती है, देन हु आर वी गाइस टू पॉइंट आउट दोस थिंग्स, राइट, कि भाई तुम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हो कि भाई एक कहावत है ना भाई, बचपन से मैंने सुना, दुल्हन दूरा राजी तो क्या करेगा खाजी. हम क्यों बीच में जा रहे भाई, मेरे को ये बोलो आप, हम क्यों बीच में जा रहे. और वो चीज हो चुकी, राइट, वो लोग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, हजरत आयशा एक साहबिया है ना, तो रजी अल्लाह अन्हु व रज़ुआन, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी. और उनकी बरात के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लोग जब तौमत लगाए तो उनके लिए कुरान में आयतें आई. तो अब हम कौन होते कि भाई इनकी ये एज में शादी होगी. और सबसे ज्यादा हदीसे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उन्होंने बयान की औरतों में. तो ये देखो, देखो भाई एक चीज है भाई, तुम जो चीज उठाते वो चीज तुम्हारे हाथ को लगती. तुम कहां जा रहे, निगेटिव पॉइंट की तरफ, यानी कि भाई किस तरह से इस्लाम का नुकसान हो, किस तरह से प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है तुम आवाज को उठा सको अपनी. तो तुम है ना एक पॉइंट देख रहे, वीक पॉइंट सोसाइटी के अंदर. 9 इयर्स की एज बोले तो एक मसला है मेरे भाई. अरब के बच्चियां जाके मालूम कर लो, अभी सऊदी अरब अगर कभी जाके आए, अगर नहीं है कुछ प्रॉब्लम है तो एक विजिट करा तो मैं आपको, मैं दुबई में रहता हूँ, आपको एक विजिट दे तू, यहाँ आके जरा मालूमात लो अरब के, यहाँ के रीजन के कैसे लड़ते रहते लड़कियां, एशिया कैसे रहते, अमेरिकन कैसे रहते, यूके रीजन के कैसे रहते, एंड उसके बाद चाइनीज कैसे रहते. तो इसके बारे में पहले मालूमात रखो, यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट इट. ओके, लो जी मेरा टाइम शुरू करें जनाब. इन्होंने बोला कि हजरत आयशा जो है उनकी एग्रीमेंट शामिल थी. सर स्क्रीन दिखा दें, मेरा इनको चैलेंज है कुतुब सित्ता के अंदर से मुझे दिखा दें कोई भी हदीस जहां पे हजरत आयशा की कंसेंट शामिल हो. सही बुखारी, हजरत आयशा खुद फरमा रही हैं. क्या फरमा रही हैं? ओ अल्लाह पोसल, अ वर्जन फील शाय, ही सेड हर कंसेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय हर साइलेंस. उसकी चुप रहना ही साइलेंस है. दोबारा से, अ वर्जन फादर मस्ट आस्क हर कंसेंट फ्रॉम हर, कंसेंट बीइंग हर इज साइलेंस. 6 साल की बच्ची का जब निकाह हुआ हजरत मोहम्मद के साथ, 6 साल की बच्ची को क्या पता था कि जन्नत क्या होती है? 6 साल की बच्ची को क्या पता था कि भी दोजख क्या होती है? 6 साल की बच्ची को यह पता था दीन क्या होता है? 6 साल की बच्ची को मैंगो भी नहीं पता होता. 6 साल की बच्ची चुप रहेगी, उसकी शादी हो गई. 9 साल के अंदर जब वो खेल रही थी झूले के ऊपर खेल रही थी, उसकी माँ ने झूले के ऊपर से उठा के लेके आया उसको. ये देखें आपके सामने, दोबारा से वो भी ले आता हूं. ये देखें, झूले के ऊपर से उसे खींच के लाया, सांस उसकी बढ़ी हुई है, सांस फूली हुई है, अनएक्सपेक्टेडली उनको पता भी नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह के अपोसल आए और उनको ले गए अपने घर. और उसी रात को ऑब्वियसली, क्योंकि हमें हदीसें बताती है, 9 साल की उम्र में उनके साथ इंटरकोर्स किया. ये एग्रीमेंट है, ये नबी है जिनका जो है वो आप बयान कर रहे हैं कि जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत आला है. मियाँ बीवी राजी, कौन सा मियाँ बीवी राजी? रजामंदी तो है ही नहीं आयशा की किसी भी सूरत में. और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर चुप कर गए. हजरत आयशा की तो पहले से शादी हो चुकी हुई थी, सॉरी वो हो चुकी हुई थी किसी उसी के हम उम्र बच्चे के साथ, वो हो चुका हुआ था, फियांसे बन चुकी हुई थी. ठीक है, वो तोड़ के मोहम्मद साहब के साथ लगा दिया. क्यों तोड़ा? मोहम्मद साहब ने कह दिया था बात खत्म, तोड़ दिया वो रिश्ता, वो नाता. शादी कौन सी, शादी कौन सी एग्रीमेंट बताइए माइक. दो मिनट हो गए अभी. हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आपको कैसे पता कि वो बच्ची के दिल में क्या चल रहा, राइट? यहाँ पे बात करते ही नहीं अपन, ठीक है? अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी रसूल अल्लाह के बारे में और हजरत आयशा के बारे में. मैं इस चीज से डर रू कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि उनके वस्ताखी हो जाए, ठीक है? और मैं चाह रहा हूँ आपसे कि आप भी इससे बचो वरना जहन्नुम की आग में जलोगे, ठीक है? बचो ये बात से. तो इमेजिन करते दूसरी एक फैमिली पकड़ते, ठीक है? ऐसा फैमिली में हो रहा, जब एक फादर बोला कि भाई उस बच्ची को शादी करना है, फादर राजी है, तो इस्लाम में क्या है भाई गवाह के लिए?
क्या है, गवाह है ना भाई, स्पेशली कि भाई एक कोई गवाह होना चाहिए इस्लाम के अंदर, ईजा और कबूल होना चाहिए और छुआरे तकसीम होने चाहिए, निकाह हो गया। अब इसके बाद अब उसने क्या किया, कैसा किया, किधर किया, अगर आप उतनी डिटेल के अंदर किसी पर्सनल आदमी की इमेजिन करो भाई, मेरे भाई आप अगर ये सोच रहे किसी की भाई है, आप में से लो साहिल भाई है या फिर आदम भाई है, आपकी कोई बहन है ठीक है, मुझे उनका रिश्ता आया या मैं उनसे मांगा और आपने जो है आप खुशी खुशी वो रिश्ते को मेरे लिए एक्सेप्ट कर दिए, अब मेरी शादी होगी, उसके बाद आप चार लोगों के सामने बोलते फिर रहे कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो इतना सोचो कि आपको तो होगा लगा लगेगा बुरा, आपके जो रिश्तेदार है राइट, आप वो सोच रहे होंगे कि भाई उनके बारे में बोल रहे तो आपको बुरा क्यों लग रहा, तो आपके रिश्तेदार है अगर चार लोगों के ऊपर अंदर आके उन्होंने ये बात कर रहे ठीक है, चार लोगों के सामने आके ये बात कर रहे तो आपको कैसा लगेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीजों से बचो, ये चीजें अच्छी नहीं है, आखिरत के अंदर तो होंगा होंगा लेकिन इधर कोई घट गए तुम किसके मियाँ भाई के हाथ को मेरे वैसे तो नीचे से ऊपर तक दाल पतली हो जाती तुम लोगों की ठीक है ना, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये चीजें बोलने के अंदर बहुत एहतियात इख्तियार करो ठीक है ना, तो ठीक है मेरे दो मिनट हो गए, मैं ये इसीलिए मैं बोलने से डरूं ताकि आखिरत के दिन के लिए मैं डरूं, अदरवाइज अगर ये कोई दूसरी फैमिली की चीज होती तो मैं एक्सप्लेन करता था, और तुम भी डरो क्योंकि मियां भाई को घटे एक आध दिन तो फिर तुम्हारी फूटी जाती। अब आगे धमकियों के ऊपर तुम कोई बात नहीं नजर आ रहा है कि इस्लाम जो है धमकियों और गलत मेरे भाई क्या तुम्हारा टाइम नहीं है कुत्ते ना भौंकना जुनैद भाई आपका टाइम नहीं है रुक जाओ जुनैद भाई गलत तरीका है आपके टाइम ठीक है ठीक है टाइमर रीस्टार्ट करो यार मेरा टाइमर रीस्टार्ट करो धमकियों पे आ गया अब ये धमकियां इसकी शुरू हो गई है ओके अरे तुरे नहीं अभी तूने धमकियां दी और अब अरे तुरे पे आ गया मैं क्या बोलूं अभी मैं धमकी नहीं दी मैं क्या बोला आपको फूट जाएंगी बोले तो क्या फूट जाएंगी जुनैद भाई आपके वक्त पे आप बोलिए प्लीज रिक्वेस्ट अभी देखो हम अच्छे से चल रहे हैं ना तो प्लीज बीच में ना बोले इनका जब वक्त खत्म हो जाएगा तब अपनी बात रखें आप एडम स्टार्ट करो जी प्लीज तो जनाब इनकी धमकियां सब लोगों ने सुन ली हुई है रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर है सब लोग जानते हैं इनका सामने आ गया तो क्या पतली कर देगा और ये कर देगा और वो कर देगा ये सब इसने बोल दिया कोई मसला नहीं है असल में जो इसकी बात थी वो थी जहन्नम में अल्लाह मियां क्या करेगा ले जी अगर तो जहन्नम कोई भी खुदा है और उसकी जहन्नम ऐसी है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है तो इतनी पोर्नोग्राफिक जहन्नम अगर कोई खुदा रखता है उसकी जन्नत भी पोर्नोग्राफिक जहन्नम भी पोर्नोग्राफिक जहन्नम में क्या होगा हज़रत इब्ने अब्बास का फरमान है कि ये वो जंजीरें हैं जो इसके जिस्म में परो दी जाएंगी पाखाने के रस्ते से डाली जाएंगी मुंह के रस्ते से निकाली जाएंगी और इस तरह आग पर भुना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी अल्लाह मियाँ की पोर्नोग्राफिक जहन्नम है और पोर्नोग्राफिक जन्नत है ये जो यहाँ पे आके हमें लड़ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि सामने आ गया तो निकल जाएगा वगैरह 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 जो कुछ इन्होंने बोला ये इस जहन्नम से मुझे डरा रहे हैं और उस जन्नत में लेके जाना चाहते हैं जहां पे हूरे मेरे सामने खड़ी रहेंगी और मैं उनके साथ जब दिल करे कर सकूंगा और वो इतनी सफेद होंगी कि उनकी बोन मैरो भी नजर आ रही होगी अंदर से एक्सरे विजन हो जाएंगे ये वो जन्नत है जो हमें दिखा रहे हैं। अच्छा अब जन्नत जहन्नम को छोड़ें इन्होंने उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या रखा ओ उसके माँ बाप राजी थे चचा वगैरह राजी थे अमा यार लड़की नहीं बच्ची बच्ची 6 साल की उसके साथ शादी की गेम डल रही है यहाँ पे और मोहम्मद जैसा शख्स जिसको तमाम दुनिया ने मानना है वो कर रहा है और उसका अपना जो पहले से रिश्ता हो चुका है वो तरवा दिया और वो रिश्ता जिससे हुआ था वो उसी की हम उम्र उसके पास पास वाला वो चलता है 50-52 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ शादी हो रही है ये वही हजरत मोहम्मद है जिन्होंने अपने इब्ने अब्बास के कजन के एक बेटी को छोटे को घर में देखा और उस बच्ची को देख के क्या बोला था जब ये बड़ी होगी मैं शादी कर लूंगा क्रॉल करती हुई बच्ची जो दूध पीती है ले 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 ये नबी है आपके दे इनको टाइम सर हाँ जी तो भाई आपने फरमाया कि भाई धमकी दे रहा हूँ धमकी नहीं दे रहा हूँ भाई एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ ठीक है कि मेरे घर में ये सब हटा दो साइड में मेरे घर में किसी को किसी ने बुरा कहा ठीक है एक सुनने की लिमिट तक कोई भी सुनता उसके बाद बोलता भाई आ जा साइड में बोलता तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि धमकी नहीं बोलते इसको एक क्या बोलते हैं इसको एक सही चीज एक सजेशन दे रहा हूँ आपको मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ मैं भी आपके करीब बहुत लोग होंगे मेरी तो आप तक पहुंच भी नहीं और मेरे को आप कभी घटेंगे भी नहीं राइट तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आपके अतराफ में लोग हैं जरा एहतियात करते जाओ। दूसरी चीज अभी आते अपन इसमें जन्नत के जहन्नुम के बारे में बोला आपने तो आप ये जो बोल रहे पाखाने की जगह ये पोर्नोग्राफी आपकी नजर में हो सकती राइट अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर हर आजा को बनाया करेक्ट अब वो आजा के बारे में डिटेल है इसके अंदर ये पोर्नोग्राफी वो गंदी जगह आपकी नजर में हो सकती
करेक्ट, क्या भाई यहाँ से डाला जाएगा वहां से निकाला जाएगा। अगर तुम उसको सोचेंगे कि भाई ये पोर्नोग्राफी है, जिस्म के अंदर तुम्हारे हिस्सा है, राइट, एक आजा है तुम्हारा, लिंग है, ठीक है, वो क्या तुम क्या पोर्नोग्राफर है क्या? फिर उसके बारे में अगर तुम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता रहे, तो क्या डॉक्टर क्या पोर्नोग्राफर है क्या भाई? तुम्हारी चीज को देख के कर रहा, इलाज कर रहा उसका। तो हर चीज का इमेजिनेशन है भाई। अगर अपने आप को तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल जब बोलते ना भाई अपने आप को, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग खुद से हो जाना कि भाई ये चीज है क्यों, ये चीज है क्यों, ये चीज है क्यों। एक्सप्लेनेशन का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट ही गेट नहीं कर रहे भाई और बोल रहे पोर्नोग्राफी है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना। तो क्लियरली भाई आपको है ना इल्म है, राइट, पढ़े लिखे जाहिल की कैटेगरी के अंदर आते हैं आप। हर चीज की निगेटिविटी, वो मक्खी रहती ना जिस्म के अंदर, जिस्म पे सबसे ज्यादा जख्म चल रहा वही जाती उन्हें। तो सिमिलरली तुम्हारी भी, तुम लोगों की वैसी मिसाल है कि जहां भी तुमको ऐसा लग रहा कि भाई हमारे फेवर में लोग इस्लाम को बोलेंगे, सोच के समझेंगे कि इस्लाम बुरा मजहब है, मेरे भाई जो इस्लाम के ऊपर आ गया 313 भी थे, जब वो भी नहीं डरे थे, इंशाल्लाह आज भी दुनिया के अंदर जो इस्लाम के ऊपर है इंशाल्लाह वो भी अपनी सांस तक टिके रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं एडम, जो एक्चुअल टॉपिक है 6 साल वाला, 9 साल वाला, वो थोड़ा भटक रहा है तो... हाँ, वापस आ गए मैं स्क्रीन पे, वही हदीस है। हाँ। ये अब वही हदीस जो मैंने बोली थी, 6 साल 9 साल, ये देखें आप, देखें हजरत मोहम्मद, मेरा टाइमर रीसेट करते ताकि मैं स्टार्ट करूं। देखें 6 साल 9 साल को छोड़ें, ये हदीस है मुसनद अहमद की, ये बता रही है कि ये पूरी चेन ऑफ नरेशन है, इब्ने इसहाक, हुसैन बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अकरमा वगैरह वगैरह, तमाम चेन ऑफ नरेशन के बाद इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो आए, उन्होंने देखा उम्मे हबीता को बिन अब्बास को, एक छोटी बच्ची जो कि अभी फातिम एज में है, यानी कि दूध पीती एज में है, क्रॉलिंग बच्ची है। नबी पाक ने क्या फरमाया? नबी पाक ने फरमाया जब ये जरा बड़ी होएगी ना, जब ये जरा बड़ी होएगी ना और मैं जिंदा रहा तो इससे मैं शादी करूंगा। एक शख्स किसी के घर जाता है, एक शख्स तुम्हारे ही घर आता है। अब तुम्हें अपने घर वालों की तुमने बात की थी ना मेरे साथ, मेरे घर में ये वो, मेरे घर में वो, तुम्हारे आसपास के घर में। अब मैं तुम्हें बोलता हूं, एक शख्स तुम्हारे घर में आता है और तुम्हारी मां की एक और दूध पीती बच्ची, तुम्हारी छोटी बहन, उसको देखता है, दूध पीती बच्ची को, तुम्हारी छोटी बहन को, तुम्हारे बाप की छोटी बच्ची को, दूध पीती को देखता है और देख के कहता है, और उस बच्चे की उम्र क्या है? 58 साल, 49 साल, 57 साल। उसको देख के पता क्या कहता है? अरे कितनी प्यारी बच्ची है, जरा बड़ी होएगी ना ये जरा तो मैं इसे शादी करूंगा। बाबा कह रहा है, 60 साल का बाबा वो बोल रहा है ये बात। वो आपको मुनासिब लगेगा, उसको जाके चपेट नहीं मार के दांत नहीं बाहर निकाल दोगे उसके? तुम यहां पे मुझसे तो बात कर रहे हो, तुम मेरे पे तो तुम धमकियां लगा रहे हो, उस बाबे के दांत ना बाहर निकालोगे? उसी बाबे ने 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ शादी की। ये दीन इस्लाम की तालीमात हैं और दीन इस्लाम के सबसे बड़े शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनाई और की और अपने मुंह से बोली। दे दे माइक इनको सर। ठीक है चलो मैं आता हूँ इसमें। राइट, वो 6 ईयर 9 ईयर्स का, उसके अलावा आपने ये नई बात छेड़े के घर में जाने के बाद ऐसा बोले और ये बोले कि भाई ये बड़ी होंगी तो मैं इससे शादी करूंगा, इसमें बुरी बात क्या है भाई? वो आगे वाला जो लिखा चीज को मे भी उसका कॉन्टेक्स्ट तुमको समझाने का अलग और तुम अलग कॉन्टेक्स्ट में ले रहे, मजाही अंदाज में बोलते अपन लोग, क्या खूबसूरत बच्चा है, राइट, बड़ा हुआ तो मेरी बच्ची शादी करूंगा इसकी, ऐसा बोलते। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बड़ी हुए बाद तुम्हारी बच्ची शादी करूंगा। इमेजिन करो भाई कौन, देखो भाई हर चीज को समझने का अंदाज है, तुम किस तरह से उसको समझते, ठीक है, हर चीज को समझने का अंदाज है। मेंसिस की बात हुई थी, मैं टॉपिक से हटके एक चीज इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि मेंसिस की बात हुई थी, मैं पुराने डिस्कशन सुन रहा था कि भाई आप जो है ये मेंसिस के अंदर थे और ऐसा ऐसा करे बोल के, मेरे भाई आपको समझने को होना कि इंसान का कितना अच्छा इंसान है वो। अगर आपकी शादी हुई होगी, औरत अगर है से है तो आप उसके करीब जाते क्या, आपको क्या फील होता, आप खुद इमेजिन करके देखो, लोगों से पूछो अगर आप शादीशुदा नहीं है तो। और एक शख्स उस हालत के अंदर भी अपनी बीवी के पास है और उसका टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा, दैट मींस वो सबसे बेहतर शख्स हो सकता। ये एक औरत को पूछो जाके, तुम औरत नहीं है, इसके अंदर एक तो भी औरत को लेके बैठो या तुम शादीशुदा बैठो और औरत से ये चीज का तस्करा करो कि भाई मैं पीरियड से हूँ, उसके बावजूद मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा ही रह रहा जैसा कि मैं नॉर्मल हूँ, राइट, तुम लोग है नहीं, मैं 2 बच्चे का बाप हूँ, मेरे को पता है, राइट,
तुम इसमें से मेरे को बताओ शादीशुदा कौन है या फिर कौन सी औरत को लेके तुम यहाँ पे अभी बैठे, इतने बड़े बड़े बातें कर रहे तुम औरतों के ताल्लुक से, तो एक औरत को लेके बैठते जाओ ना मेरे भाई। जब जो बात हो रही पूरी औरतों के ऊपर हो रही, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट वन लेडी इन साइड यूर डिस्कशन, सो दैट विल बी लाइक अमेजिंग डिस्कशन। आप पहचान ही नहीं सकते, आप तो सिर्फ ये देख रहे कि भाई मजा कर रहे, इंजॉय कर रहे। भाई जोरू मरद के अंदर का मजा वो एक मजा है उन दोनों के लिए बना, तीसरा आदमी उस पर डिस्कशन करा तो उसको बुरा लगने ही वाला हो। समझ में आया ना? टाइम खत्म हो गया। ले जी, तमाम दर्शकों से इल्तमास है कि इनकी ये बात जरा गौर से सुनिएगा, इन्होंने किस तरीके से अपने नबी को डिफेंड किया। मेरी तमाम दर्शकों से ये दावत है कि कभी इस किस्म का बंदा अगर आप लोगों के घर आए, और आपकी, इन्होंने कहा ये दो बच्चों के बाप हैं, उम्मीद करता हूं उनमें से एक आधी बेटी हो, और कोई इसी किस्म का शख्स आए, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है और आपकी बेटी आपकी बहन से शादी करने रेडी है। फिर बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो भाई, बीच में मत बोलो प्लीज, फिर बीच में बोल रहा तुमने, करेक्ट करेक्ट कर रहा था भाई, अपने टाइम पे करेक्ट करो जुनैद भाई प्लीज यार, क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो। एडम कंटिन्यू, ये मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए अभी ये सारा। ये जब इनकी बेटी को, छोटी बेटी को, फातिम बेटी को, यानी कि वो अभी दूध पीती बच्ची है, 60 साल का बाबा आके बोले कि ये बड़ी होएगी ना तो मैं इससे शादी करूंगा, अपने बच्चे की नहीं कराऊंगा, मैं करूंगा, 60 साल की उम्र का बाबा मैं करूंगा, और तेरी गैरत उस वक्त ना निकली तो तू आके अपने आप को खुद ही कत्ल कर दें पहाड़ से ऊपर से छलांग मार के, ये तेरी बगैरती है। इस वक्त सब लोगों ने सुन ली है, ये दिखा रहा हूं मैं, ये आपके नबी पाक है, ये हजरत मोहम्मद है जिन्होंने ये हरकतें की। दूसरी बात, आपने मेंसेस के टाइम की, आपकी अगर बीवी है ना, जाके उससे पूछना मेंसेस के टाइम में उसका दिल करता है कि मर्द उसके पास आए, और जो पेन वगैरह से गुजर रही होती हैं, जाके औरतों को बुला के उनसे बात कर लेना, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता मेडिकल लेवल के ऊपर। मोहम्मद उस वक्त 10-11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ क्या कर रहे हैं, मुबाशरत कर रहे हैं, उसके नीचे कपड़ा पहना के उसके साथ नहिया पहिया कर रहे हैं और मुबाशरत कर रहे हैं और फोंडलिंग कर रहे हैं। कुछ भी ले लो तर्जमा, उर्दू में मुबाशरत लिखा हुआ है, इंग्लिश में फोंडलिंग लिखा हुआ है, जिस वक्त वो पीरियड्स में है, मेंसेस में है, जहां पे उस वो कर भी नहीं सकती प्रॉपर तरीके से, वो पेन में से गुजर रही है, तकलीफ में गुजर रही है, तुम दोनों सूरतों में तुम इस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, जितना मर्जी रो लो। शट अप, यू टुक 30 सेकंड्स ऑफ माइन, जाओ तुम्हें देता हूं, बख्शिश में दिया तुम्हें। You shut up.